थ्री या फोर मंथ्स में हमारा न्यू बेबी आने वाला है भाई साहब। बहुत जल्दी हम लोग बेबी का शॉपिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। पता है ही नहीं कि बाबा है कि बेबी है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी ब्लॉग्स भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब अभी देखो दोपहर के 12 बज रहे हैं और जीशान आया मेरे रूम में कुछ लेके। ये देखो जीशान बोल रहा है कि बहुत भयंकर वाला आम तोड़ के लाया। कहा बहुत भयंकर? माने मतलब पूरे अपने एरिया में सिर्फ एक ही पेड़ है वो। हाँ, गाँव में आम। लेकिन ये पता ठंडी में कैसे इतना बड़ा आम निकल गया? कहते हैं कि ये 12 मास फरता है, मतलब ठंड में। बाप रे, देखो कितना बड़ा आम तोड़ के लाया ठंडी में। खा ले चल। अरे ये नकली है। ओ, प्रैंक हो गया भाई साहब, ये नकली है। ये देखो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट ऐसे रखे हैं नकली नकली है। देखो केला है, सेब है, अंगूर है, बहुत सारे है। नहीं रहने दे, नानी का थोड़ा तबीयत खराब है। चल और मैं और जीशान सबसे पहले चल रहे हैं चौराहे पे क्योंकि हमको लाना है कुछ सामान। देखो नानी कल खूब अच्छे से थी लेकिन आज नानी का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, तभी हम लोग जा रहे हैं नानी का दवा लेने चौराहे पे। हाँ नानी, चलो चल जीशान, दवा लेके आना है और कुछ फ्रूट वूट लेके आना। तेरा भी तबीयत खराब है मैक्स? क्या हुआ रे? कट गया रे? यहाँ देखो अम्मा रही, अम्मा धो रही है कपड़ा। अम्मा बहुत वीआईपी व्यवस्था लगाए वो कपड़ा धोने का, यहाँ पे धो रही है। पानी खत्म अम्मा? बक फिलहाल भाई साहब हम लोग चौराहे पहुंच गए, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग फ्रूट, ले रहे हैं हम लोग संतरा और सेब एक एक किलो, और लेना हम लोग को गरी। देखो जीशान को हम लोगों ने टेस्टर बनाया है, जीशान पहले टेस्ट करेगा ये एप्पल, उसके बाद हम लोग एप्पल लेंगे। कैसा है एप्पल जीशान? मीठा नहीं है, उतना नहीं है ना, इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं ले रहे हैं, अंदर जो रखा हुआ वो वाला ले रहे हैं। जीशान ये बता तू ये नारियल तोड़ पाएगा? हाँ। हा? तो पानी गिर नहीं जाएगा पागल? पानी अपने को सिर्फ पानी निकालने से मतलब है। तो तेरे सर पे मारू? सर पे मार के फोड़ू तेरे? देखो भाई साहब नारियल फोड़ा जा रहा है, यही लेके जाएंगे हम घर पे खाने के लिए। ऐसा लगता बहुत क्लियर भाई साहब। फट से हमने नानी का दवा भी ले लिया और सब सामान भी ले लिया, अब चलते हैं घर। कौन है रे बुला रहा तुझे? तो भाई साहब हम लोग घर पे पहुंच गए और ये देखो जीशान ने सुबह से व्लॉग नहीं देखा था, सौरभ जोशी व्लॉग, तो अभी लगा के देख रहा है। जीशान मैंने सुना सौरभ का नया घर बनने वाला है। शादी होने वाली है? अच्छा तुम रिश्ता लगवा रहे हो क्या? ये देखो अपना भी पिछले साल नया घर बना था और इस साल उन लोग का घर बनने वाला है ना, तो दो पार्क के बीच में हमारा घर होगा। घर आते इतना मस्त सरप्राइज मिलेगा, ये इतना अच्छा जैसा देख के मतलब। तो भाई साहब हमारे घर के अंदर चिड़िया आ गई है, भाग रही है। भाग 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 भाग। देखो भाग नहीं रही है, कसम से भाग नहीं रही है, यहीं कहीं घोंसला बना रही है। अरे देख के गाइस यहाँ पे चिड़िया आ गई, निकल ही नहीं रही है। जान तो क्यों भगा रहे हैं? नहीं तो यहाँ घोंसला बना लेगी, बच्चा दे दे। खोलो ना, ये देखो इतना बड़ा दरवाजा खोला है लेकिन जा नहीं रही जानबूझ के। इसको घर मिला है बढ़िया। ये देखो भाई साहब आजकल हमारा मैक्सु बड़ा गुमसुम रहता है, पता नहीं क्यों। क्यों रे? हाँ क्या हुआ? तेरी वाई भाग गया? मेरा रुआ भाग गया था, मेरा रुआ भाग गए, मेरा रुआ भाग गया है तो मेरा रुआ भाग। ऐसे दिन भर ये शॉर्ट वीडियो देखता है बस। हाँ कुछ भी कुछ भी। हाँ सही।
A few moments later. और फिलहाल भाई साहब शाम हो गया है और फैसल आज गया हुआ था गोरखपुर घूमने के लिए, तो वहाँ से लाया था कुछ KFC वगैरह, तो यहाँ पे हो रहा था KFC की पार्टी। तो क्या खाया जीशान? बर्गर। और हम लोग मंगाए थे KFC का वो जो हॉट एंड क्रिस्पी पीसेस होते हैं ना, वो मंगाए थे हम लोगों ने, वो खाया। कैसा था? मस्त नहीं? मस्त था। कैसा था? मस्त मस्त। वेरी गुड। मेरी औकात नहीं है KFC बनाने की। ये बताओ क्या देख रहे हो तुम लोग? अभी तो देख रहे थे तुम लोग दोपहर में, फिर देखने लगे तुमने और इन लोग ने देखे थे। हाँ तगड़ा घर बनवाने वाले हैं, तैयारी चालू हो गई। सोच लो लास्ट ईयर हम लोग का घर बना था और इस साल इन लोग का घर बन गया। हाँ इसी टाइम लोग का स्टार्ट हुआ था, बनना सही है। और सुनाओ जीशान, बहुत तगड़ा वाला डिजाइन सेलेक्ट किया है ना? सही है, बढ़िया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी ब्लॉग्स भाई। भाई साहब हमें पता है नए घर की खुशी कितना ज्यादा होती है। मेरा भी घर जब ये बन रहा था ना, तो इतने मेहनत से मैंने इस घर को बनवाया, समझ लो ना यूट्यूब का जितना भी कमाई हुआ है मेरा, आधा से ज्यादा पैसा मैंने इस घर में ही लगा दिया। तो घर की खुशी भाई हर चीज से बढ़ के होती है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा तो वो है घर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी ब्लॉग्स फॉर द न्यू हाउस। अब खुद का भी तो रेंट पे रहते हैं, अब तो खुद का घर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है, हम लोग अभी जब घर बन गया ना, हम लोग एकदम चिल एकदम मार के रहते हैं, है ना जीशान? कितना ज्यादा एक्साइटेड थे ना जब बन रहा था घर। हम लोग सोच रहे थे यार एक महीने के अंदर ही रेडी हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन 4-5 महीने लग गए थे घर रेडी होने में। तो यस। और जीशान ये बता कल स्कूल है? कब से अच्छा स्टार्ट है तेरा फाइनल एग्जाम? हाँ फरवरी में स्टार्ट। तो उसमें छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएगी कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी? क्लास उसके बाद समर वेकेशन। समर वेकेशन बहुत टाइम है। जब छुट्टी होगी ना जीशान एग्जाम के बाद, हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। इन लोग का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा और तेरा एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद भाई साहब हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तुम घर पे रहोगे, चिल मारोगे, तुम्हारा पोजीशन नहीं है ना घूमने। और भाई साहब हम दोनों लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि विद इन 3 या 4 मंथ्स में हमारा न्यू बेबी आने वाला है। तो हम लोग तो भाई साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसीलिए निक्की का ट्रैवल इधर बहुत कम हो जाएगा। अभी देखो मतलब मुंबई से ही आने में कितना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब 3-4 महीने तो वो घर पे ही रहना पड़ेगा, आराम से रेस्ट करना रहेगा। उसके बाद जब हमारा बेबी हो जाएगा उसके बाद हम लोग दिल खोल के घूमेंगे, 3 मेमोरीज बनाएंगे खूब अच्छे अच्छे। हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। और कल हम लोग को जाना है हॉस्पिटल चेकअप के लिए, जो हर मंथ चेकअप होता है ना, तो कल के ब्लॉग में हम लोग बताएंगे क्या है रिपोर्ट क्या नहीं। यस। और भाई साहब बहुत जल्दी हम लोग बेबी का शॉपिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये बताओ कैसे शॉपिंग स्टार्ट करोगे? पता है ही नहीं कि बाबा है कि बेबी है। अरे तो ऐसा वाला सामान लेंगे ना कि दोनों। अच्छा हाँ सही कह रहे हो। हाँ ऐसा सामान हम लोग लेंगे कि दोनों को भी हो जाए, बेबी को भी हो जाए बाबा को भी हो जाए। और क्या? यस स्टार्ट में ऐसे ही लेते हैं। तो यस बहुत जल्दी हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बस्ती में एक फर्स्ट क्राई करके मतलब ब्रांड खुला हुआ है, काफी अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे लोग वो है। अच्छा वाला बोल रही हूँ कि अभी से शुरुआत में थोड़ी ना फ्रॉक पहनाने लग जाएंगे, लाके जीन्स हुडी ये सब देने लगेंगे। हुडी तो कोई भी पहन सकता है। नॉडी विक्टिम गाइस, एनबी व्लॉग झाड़ू लगा दे कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह वॉशिंग मशीन के नीचे कचरा नहीं डालना। अरे लेकिन इसको सफाई नहीं कहते, समझे? इसको बोलते हैं बॉयज सफाई। नहीं कचरा निकाल के कौन है? हाँ तो सफाई अच्छी। फिलहाल भाई साहब रात के 11 बज चुके हैं, हमने खाना वाना खा लिया है और आ रहा था बिग बॉस देख रहे थे, और अभी चलो वीडियो को एडिट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, से नेक्स्ट व्लॉग।